गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट तो प्लीज जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू रिड्यूस योर बैली फैट विद इन 20 और 25 डेज। यस गाइस, आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे बैली फैट रिड्यूस हो सकता है, पर यस, जो मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स, उसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका बैली फैट जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा और हट जाएगा। बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डिफरेंस दिखेगा कि आपने कितने जल्दी बैली फैट रिड्यूस कर लिया है। बैली फैट मेनली होता क्या है? बैली फैट वही होता है कि आपके बैली में ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम हो चुका है, तो उसी का वो गोदाम बन जाता है पानी का, तो उसको ही आपको हटाना है। तो वो कैसे हटाना है तो मैं जल्दी से आपको वीडियो में बता देती हूँ और अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, टिप नंबर वन इज, जैसे आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं तो आप अपने किचन में जाइए और आपको लेना है एक गिलास पानी और उसमें डालेंगे आप एक चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी और इसे आप बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। बॉईल करेंगे अच्छे से और उसके बाद आप इसको एक छन्नी से छान लेंगे और उस पानी को नॉर्मल होने पर, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं होने देना है, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए और उस पानी को आप पी लेंगे। गाइस, जिन लोगों को भी एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो लोग मेथी को स्किप कर सकते हैं और सौंफ का ही पानी पी सकते हैं। तो सौंफ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, वो किस तरह से आपका बैली फैट रिड्यूस करता है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पिक्चर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सौंफ का यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को वार्म वाटर पीने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वार्म वाटर ही पीना चाहिए, क्योंकि वार्म वाटर बहुत जल्दी आपके बैली फैट को, जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में से, वो रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि रात भर आप एक चम्मच सौंफ और एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उसे ओवरनाइट रख सकते हैं। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले वही ड्रिंक करना है, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आप वार्म वाटर पीते हैं तो जल्दी इफेक्ट दिखेगा आपको। तो नंबर वन ये था आपको जो फॉलो करना है डेली रूटीन पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप देने के बाद आपको सेकंड जो फॉलो करना है मॉर्निंग में, वो है आपकी एक्सरसाइज। यस गाइस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। बाय चांस अगर किसी का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, जैसे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन भर में आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं आप फिट दिखे और बैली फैट आपका रिड्यूस हो जाए, तो आपको 40 या 45 मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकालना होगा। और कुछ भी एक्सरसाइज आपको करनी है, डांस कर सकते हैं, फ्री स्टाइल कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप कोई भी बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और आपको ये करना ही करना है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें, एक तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है आफ्टर एक्सरसाइज, और आपको एक्सरसाइज मतलब ऐसा आपको खुद से फील तो ऐसा फील होगा जिसकी आपकी बॉडी में जरूरत नहीं थी, वो कुछ तो कम हो रहा है। टिप नंबर थर्ड इज, आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है आपको, और बहुत सारा पानी पीना है आपको। पानी आपको एनर्जेटिकली फील करेगा और आपका स्टमक आपको लगेगा कि फुल है, तो ज्यादा आपको भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है। तो ये था टिप नंबर थर्ड। एंड टिप नंबर फोर इज, आपको शाम के टाइम पे एक कप ग्रीन टी पीना है। ग्रीन टी वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ज्यादा नहीं पीना है, पर एक कप आपको पीना ही पीना है शाम को। ग्रीन टी से बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स भी फील होता है और स्ट्रेस भी दूर होता है, तो आपको ग्रीन टी लेना है। प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन कैसे लेना है, क्योंकि आपको कम से कम खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको बनाना नहीं खाना है, आपको फ्रूट्स लेना है, लेकिन आपको फ्रूट्स वो लेने हैं जिससे फैट नहीं कंज्यूम होता आपकी बॉडी में, वो वाला आपको फ्रूट्स लेने हैं। बनाना नहीं खाना है, बनाना बिल्कुल भूल जाइए, और आपको राइस नहीं खाने हैं, राइस भी भूल जाइए। आपको चपाती भी अगर आप नहीं खाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जितना भी रॉ वेजिटेबल्स हैं वो आपको खाना है। सैलेड खाइए आप, अगर रॉ नहीं खा सकते तो बॉइल करके वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन आपको बॉइल खाना है, जिससे कि आपको, आपकी बॉडी को प्रोटीन भी मिलेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और आपको हेल्दी भी फील होगा। तो गाइस, आपको, और नमक और चीनी भी आपको बिल्कुल खत्म कर देनी है। नमक और चीनी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चीनी तो आपको बिल्कुल ही, जो लेवल उसका आपने यहाँ पहुँचा रखा है ना, उसको बिल्कुल ही डाउन कर देना है, तो चीनी आप हटा दीजिए। ऑल्सो अगर आप चीनी कम करते तो आपको आपकी स्किन पे भी डिफरेंस विजिबल होगा, आपको आपकी स्किन ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बेटर फील होगी। तो आप चीनी को तो बिल्कुल ही कम कर दीजिए। नमक आप थोड़ा मोड़ा ले सकते हैं,
गाइस मेक श्योर आपका ये सब लेने का टाइमिंग सही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर जब मर्जी लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा। तो आपको टाइम से बिफोर 9 आपको ब्रेकफास्ट करना है, और बिफोर 1:30 आपको लंच करना है, और बिफोर 8 आपको डिनर करना है। ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी को एक यू नो बॉडी से बेली फैट आप रिड्यूस कर सकते हैं। और कुछ भी आप जब भी कुछ भी खाते हैं आपको आफ्टर डिनर 30 मिनट्स के लिए वॉक करना है। गाइस आपको कुछ दिनों के लिए 20 से 25 दिनों के लिए भूल जाइए कि चाउमीन क्या होती है, मोमोज क्या होते हैं, पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, ये सब चीज़ें भूल जाइए। आपको ये नहीं खाना है। अगर आपने पतला होना है और आप एक बार ठान लें कि आपको पतला होना है, बेली फैट रिड्यूस करना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना पड़ेगा। वंस यू गेट फिट तो आप उसके बाद आप वंस इन अ वीक चीट डे कर सकते हैं, लेकिन उसको रोज आपको डेली आपको फिर से नहीं खाना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपकी इतने टाइम की मेहनत के बाद। अगर आप फिर से मतलब आप इतने टाइम की मेहनत करके आप फिट हो गए हैं और आप फिर से यही सब वो सब खाते हैं, तो कोई फायदा नहीं, आप वही शेप में वापस आ जाएंगे। तो आप वंस इन अ वीक खा सकते हैं, लेकिन डेली नहीं खाएंगे। तो आप पहले तो आप इसे कम कर दीजिए। और गाइस मैं ये भी बोलूंगी यहाँ पे कि कुछ लोगों का क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से कुछ लोग पतले होते हैं और कुछ लोग मोटे भी होते हैं। हाँ जी, तो प्लीज गाइस स्ट्रेस ना ले, ज्यादा से ज्यादा हंसे और ज्यादा से ज्यादा स्माइल करे, खुश रहे और खुशियाँ बांटे। तो बस यही थी मेरी टिप्स फिट रहने के लिए। तो नंबर मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो नंबर 1 आपको लेना है मॉर्निंग में सौंफ और मेथी का पानी। नंबर 2 आपको रेगुलर बेस पे 30 या 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 आपको जितना भी रॉ वेजिटेबल्स है आप ले सकते हैं उतना लीजिए, या तो आप बॉईल करके ले सकते हैं। नंबर 4 आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। लिक्विड में आप दाल का पानी भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 5 आपको लेना है शाम के टाइम पे एक ग्रीन टी। एंड नंबर 6 आपको करना है जितनी भी जंक फूड है उनको टाटा बाय बाय करना है, 20 से 25 दिनों के लिए आपको टाटा बाय बाय करना है। और नंबर सेवन जो है आपको खाना खाने के बाद वॉक करनी है 30 मिनट्स के लिए, आपको वॉक करनी ही है, सो दैट आपका जो आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और नंबर 8 है टाइम से आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना है कि किस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। यस गाइस, नंबर 9 है राइस एंड चपाती आपको कुछ दिनों के लिए साइड करना है। और नंबर 10 है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है। दैट्स ऑल इट गाइस। अगर आप ये वाले सारे 10 के 10 पॉइंट आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका बेली फैट जरूर रिड्यूस होगा। तो आप जल्दी से सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लीजिए और अपने बेली फैट को टाटा बाय बाय कर दीजिए। या दैट्स ऑल इट गाइस। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शो मी योर लव। या टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।